नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना ने अब तय किया है कि वो भारत रत्न से सम्मानित महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और मशहूर गायिका लता मंगेशकर के ट्वीट की जांच कराएगी, क्योंकि दोनों ही भारत रत्नों ने कुछ ही दिन पहले भारत की एकजुटता के लिए ट्वीट किया था। लेकिन कांग्रेस के दबाव में सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसी हस्तियों के खिलाफ जांच करवाने का फैसला लेने वाली उद्धव सरकार अब इसी फैसले की वजह से घिरती जा रही है। यहां तक कि भारत के दिग्गज पत्रकारों तक ने उद्धव सरकार को इस फैसले के लिए जमकर लताड़ा है। दरअसल देश में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए पॉप स्टार रिहाना और पूर्व पॉर्न स्टार मियां खलीफा जैसी कुछ अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की थी, जिसका विरोध करते हुए सचिन और लता समेत तमाम फिल्मी और क्रिकेट जगत की हस्तियों ने ट्वीट किया था। बस यही बात महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को नागवार गुजरी और कांग्रेस के कहने पर उद्धव सरकार ने सचिन लता समेत कई हस्तियों के ट्वीट के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। उद्धव सरकार के इस फैसले पर वरिष्ठ पत्रकार अनुराग मुस्कान ने ट्वीट कर कहा, जो लता मंगेशकर और रेहाना में फर्क नहीं समझ पाए वो आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी में फर्क क्या खाक समझेंगे। एक और वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना ने भी ट्वीट कर कहा, देश के खिलाफ नारा लगाइए, टुकड़े करने की पैरवी कीजिए तो कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी है, देश के पक्ष में एक ट्वीट कर दीजिए, आपके पीछे जांच एजेंसियां लगा दी जाएंगी, गजब। डीडी न्यूज वाले पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने भी उद्धव सरकार पर तंज कसते हुए कहा, महाराष्ट्र की सरकार सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और अक्षय कुमार के ट्वीट की जांच कराएगी। एक पुराना गाना याद आ गया, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। पत्रकार पंकज झा ने भी तंज कसते हुए ट्वीट किया, कमाल की बात है, महाराष्ट्र सरकार लता जी की जांच करवाना चाहती है, इंटेलिजेंस पुलिस से जानना चाहती है कि आखिर उन्होंने देश के लिए ट्वीट क्यों किया था। पत्रकार अमीश देवगन ने भी उद्धव सरकार के फैसले पर तंज कसते हुए कहा, ऐसे तो पूरे देश की जांच करानी पड़ेगी, बोलने की आजादी वाले होशियार चंद क्या कहेंगे। लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जैसे महान हस्तियों के ट्वीट की जांच कराने चली उद्धव सरकार को देश के पत्रकारों ने कुछ इसी तरह से लताड़ लगाई। सचिन और लता ने क्या कहा, अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग सहित कुछ विदेशी शख्सियतों के किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट हुआ था, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार सहित विभिन्न हस्तियों ने सोशल मीडिया पर इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा हैशटैग के साथ सरकार के रुख में समर्थन देते हुए ट्वीट किया था। लता मंगेशकर ने रिहाना का जवाब देते हुए लिखा था, भारत महान देश है और हम सभी भारतीय इसे लेकर गौरवान्वित हैं। एक गौरवान्वित भारतीय के तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी मुद्दा या समस्या जिसका एक देश के तौर पर हम सामना कर रहे हैं, उसे अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम सौहार्दपूर्वक सुलझाने में सक्षम हैं। जय हिंद। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया था, भारतीय संप्रभुता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा और विदेशी ताकतें इससे दूर रहें। उन्होंने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी ताकतों की भूमिका दर्शक तक ही सीमित है, ना कि हिस्सेदार की। बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने सचिन और लता के इसी ट्वीट के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत के बाद कार्रवाई शुरू की है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने गृहमंत्री अनिल देशमुख से ऑनलाइन मुलाकात की थी। उन्होंने ये मांग की थी कि रिहाना के ट्वीट के बाद सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, विराट कोहली सहित कई बड़े सितारों ने जो ट्वीट किए हैं उनमें कई शब्द कॉमन हैं। लिहाजा इस बात की जांच करना बहुत जरूरी है कि क्या ये सभी ट्वीट किसी दबाव में किए गए थे या नहीं। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि रिहाना के ट्वीट के बाद सचिन, लता मंगेशकर, विराट कोहली समेत कई बड़े सितारों ने जो ट्वीट किए हैं उनमें कई शब्द कॉमन हैं, जैसे कि एमिकेबल। बहरहाल इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने क्या कहा, वो भी आइए आपको सुनवाते हैं। रिहाना ने किया क्या, पूरी सरकार हरकत में आई और बाकायदा उसके बाद में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो ट्वीट करती है वो हमने पहली बार देखा। दूसरी ओर उसके बाद में कुछ सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स जो आए, तो कोई व्यक्तिगत स्तर पर कोई टिप्पणी देता है, कोई सेलिब्रिटी भी हो, उसको अधिकार है, तो उसमें कोई आपत्ति होने की बात नहीं है। लेकिन अगर उस ट्वीट का टाइमिंग देखे, उसका कंटेंट देखे और इसकी एक पृष्ठभूमि देखे, तो पूरी तरह से ये दिखाई देता है कि कोई स्क्रिप्ट तैयार करके उनको दी है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे ट्वीट्स में एक ही शब्द इस्तेमाल किया हुआ दिख रहा है, वो एमिकेबल शब्द है, कॉमन शब्द है। दूसरी ओर इसमें समानता दिखाई तो दे रही है, लेकिन कुछ अहम ट्वीट जो हैं, जैसे अक्षय कुमार जी जो बॉलीवुड के स्टार हैं और साइना नेहवाल जो हमारी आदर्श है, युवाओं के आदर्श है, स्पोर्ट्स स्टार हैं, देश का नाम रोशन किया, उनके ट्वीट में शब्द और शब्द समान है।
तो ये क्यों हुआ है कि क्या इनको कोई स्क्रिप्ट दी गई थी? निश्चित तौर पर इसकी इसका जो संदेह है इसको पुष्टि मिलती है। दूसरी ओर सुनील शेट्टी के ट्वीट के बाद में तो और भी ये सब भाजपा का कनेक्शन जो है वो सामने आता है कि उन्होंने तो हितेश जैन नाम के भारतीय जनता पार्टी का जो मुंबई प्रदेश का पदाधिकारी है, उपाध्यक्ष है, उसको टैग किया है। तो इसमें बीजेपी का कनेक्शन निश्चित तौर पर है। और पूरे देश में जो भी संवैधानिक संस्थाएं दबाव में है, तो ये भी दबाव में सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, हमारे नेशनल हीरोज हैं। तो ये हमने जांच की मांग की है कि क्या इसमें बीजेपी कनेक्शन है और क्या हमारे सेलिब्रिटीज नेशनल हीरोज को ये दबाव डाला जा रहा है। बीसीसीआई में भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप है, दूसरी ओर बॉलीवुड में पहले अंडरवर्ल्ड का प्रेशर रहता था, अब क्या यह अंडरवर्ल्ड की व्याख्या बदल के सरकार वो कनपट्टी पे शस्त्र रख के कर रही है या नहीं कर रही, इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक सवाल आपसे ये है कि सचिन तेंदुलकर ने जो ट्वीट किया, अगर आपने पढ़ा होगा, तो उन्होंने इंडिया के सार्वभौमिक तत्व को बचाने की बात कही। उन्होंने कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया कि बीजेपी से जुड़ा हुआ ये ट्वीट है, या कहीं पे भी वो बीजेपी को तो प्रमोट करता हुआ नहीं था। तो क्या भारत के सार्वभौमिकता के बारे में बात करने पर कांग्रेस को सचिन तेंदुलकर के ट्वीट का एतराज? नहीं, हमें ट्वीट का एतराज है ही नहीं। आप देखिए, पहली चीज ये है कि देश हित में वो अपने मत से करें, हम तो चाहेंगे, वो स्वातंत्र्य उनको है, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, और वो उसका इस्तेमाल करें, हम चाहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी आशंका हो, ऐसा संदेह निर्माण हो कि ये जो ट्वीट का जो जरिया तैयार हुआ है इसमें भारतीय जनता पार्टी को इस दबाव डाल रही है, देखिए आज विपक्ष की सरकारें दबाव में है, संवैधानिक संस्थाएं दबाव में है, मीडिया दबाव में है, तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी दबाव डालने की कोशिश हो नहीं सकती। ऐसी कोई इसके बारे में कोई कॉन्फिडेंस से नहीं कहा जा सकता। तो हम ये चाहेंगे कि वो पूरी तरह से बेकऑफ होकर ट्वीट करे, जो भी चाहे वो करे। अगर कोई खौफ है तो इसके बारे में निश्चित तौर पर ये जो अगर आशंका है वो दूर करनी चाहिए, और जिम्मेदारी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार की है, और अगर उनको मोदी सरकार से संरक्षण करने देने की आवश्यकता पड़ी तो वो दिया जाए, हम इतना ही कहेंगे। तो अगर ये कोई संदेह है, आशंका है, इसको दूर करने की बात करें, तो इसमें सचिन तेंदुलकर जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन एक सवाल और आपसे कि यदि आप इस तरीके की मांग कर रहे हैं तो क्या कुछ जांच की भूमिका होगी? क्या सीडीआर जांच होनी चाहिए? क्या बैंक अकाउंट का एक्सट्रैक्ट होना चाहिए? नहीं, हमने सिर्फ इतना कहा है कि भाजपा का कनेक्शन क्या है इसकी जांच हो, क्या भाजपा दबाव ला रही है, क्या मोदी सरकार इसके बारे में कोई आर्म ट्विस्ट करके हथकंडी इस्तेमाल करके कर रही है। हमने देखा है कि बॉलीवुड को दबाव में लाने के लिए किस तरह से एनसीबी का, ईडी का उपयोग किया जा रहा है। तो ये सभी चीजें हो चुकी हैं इस देश में। तो ये अगर दबाव है तो ये उसको संरक्षण देना, उनके लोकतांत्रिक अधिकार को, भले वो कुछ भी चाहे कहे, कांग्रेस के खिलाफ भी बोले, बेवकूफों के बोले, लेकिन अपने मन से बोले, मोदी सरकार के दबाव में न बोले। अगर दबाव है या नहीं है इसकी जांच तो होनी चाहिए। तो बीजेपी का कनेक्शन दिखाई दे रहा है, वो कौन है हितेश जैन, क्यों सुनील शेट्टी जी उसको टैग कर रहे हैं, ये इसके तह तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। और इसलिए हमने गृह मंत्री जी से बात की है, उन्होंने उसका संज्ञान लिया, उन्होंने कहा ये गंभीर है विषय, और इसी वजह से उनको इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का पुलिस का, उन्होंने उसको जांच के आदेश दिए।